Presenting Civil Guruji app, available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णु निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक सिविल इंजीनियर अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम देने चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर हम सिविल इंजीनियरिंग किए हैं तो हमको जो है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं वो ईयरली हमारे जो है एवरी ईयर जो है ये लोग कंडक्ट कराते हैं और हमारे चांसेस रहते हैं कि हम गवर्नमेंट में भी जाके जॉब कर सकते हैं। तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये पूरा एक ब्लॉग है, इसको आप जो है पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। मैं इसके बारे में बस शॉर्ट में बताता चलूंगा, जो इसमें लिखा है उसी चीज़ को मैं समझाते चलूंगा आपको, और इस ब्लॉग को आप हमारी वेबसाइट में जाके भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम की बात करेंगे। गेट, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर हमको कभी हायर स्टडीज करना है, जैसे एमटेक वगैरह करना है हमको आईआईटी या एनआईटी से, तो हमको गेट एग्जाम देना पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होता है, जनवरी या फरवरी में होता है। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज जैसे आईआईटी वगैरह या एनआईटी वगैरह इंजीनियर्स को मिलते हैं अपनी हायर स्टडीज़ को पूरा करने के लिए, एमटेक वगैरह करने के लिए। फिर इसके बाद अगर आपकी गेट में अच्छी रैंक आप लाते हैं तो बिल्कुल आप पीएसयू के लिए भी इनवाइट किए जाते हैं। वहाँ पीएसयू में भी जाके आप जॉब पा सकते हैं और उसके लिए आपको इंटरव्यू वगैरह बस देना पड़ता है। डायरेक्ट वो लोग गेट के स्कोर से ही आपको जो है ले लेते हैं। फिर दूसरे एग्जाम की हम बात करेंगे, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये क्या है, ये देश में अगर जो टॉप क्लास के सिविल ग्रेड सिविल इंजीनियर्स रहते हैं, ग्रेड ए के इंजीनियर्स जो बनते हैं, क्लास ए के इंजीनियर जो बनते हैं, उनका ये एग्जाम है आईईएस। इसमें तीन टाइप से पेपर होते हैं, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। हमें तीनों को जब क्वालिफाई करते हैं तभी इस एग्जाम में हम सिलेक्ट होते हैं। ये आईईएस ही के लेवल का ही एग्जाम है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एक ए ग्रेड के ऑफिसर बनेंगे। और दूसरी बात जो है, इसमें आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे, इसमें आपको रेलवे का डिपार्टमेंट, मेट्रोस का, जियोलॉजिकल सर्वे, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ये सारे डिपार्टमेंट आपको इसी के थ्रू जो है मिलेंगे आईएएस के थ्रू। अगले एग्जाम की हम बात करते हैं, एसएससी जेई। एसएससी जेई जो है अगर हम देना चाहते हैं तो इसको डिप्लोमा वाले इंजीनियर्स भी देते हैं, जो डिप्लोमा किए होते हैं, जो कॉलेज से पास आउट होते हैं वो इंजीनियर्स भी देते हैं, बीटेक जो किए होते हैं। तो इसके लिए जो है ये थोड़ा सा सिंपल एग्जाम होता है और इसके दो पेपर होते हैं, प्री और मेंस। जो है मेंस में जो है रिटन एग्जाम पूरा होता है, इसको हर साल दो बार लगभग ये पेपर होता है, कभी कभी एक बार होता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट अलग से करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से इसका पेपर लेती है। तो इसके मतलब जो कभी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम होगा, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। इसमें आपको देखिए सेंट्रल वाटर डिपार्टमेंट मिलेगा, जो है वाटर कमीशन मिलेगा, जो है सीपीडब्ल्यूडी में आप जॉब पा सकते हैं, एमईएस में जॉब पा सकते हैं, ये सारे इसके डिपार्टमेंट हैं जहां आप इसमें जॉब पा सकते हैं। फिर इसके बाद आरआरबी या रेलवे का एग्जाम होता है, ये भी सिविल इंजीनियर्स के लिए, मतलब इसकी अलग से पूरी वैकेंसीज आती हैं, इसको मतलब सेपरेटली ये सिविल इंजीनियर्स को हायर करता है, ये रेलवे की तरफ से होने वाला ये एग्जाम है। फिर उसके बाद पीएससी है। पीएससी क्या होता है, ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें अगर हमें पीडब्ल्यूडी में, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, इरिगेशन में, इस सब फील्ड में अगर हमें जॉब करना है तो हमें ये पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन वाला एग्जाम निकालना पड़ता है। ये स्टेट के आप वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। और ये एग्जाम जो है अगर देखा जाए तो उतना टफ भी नहीं होता, लेकिन उतना सिंपल भी नहीं होता। ये एसएससी जेई के ऊपर का एग्जाम होता है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग डीएफसीसीआईएल का। इसका ये क्या है, ये भी एक रेलवे की तरफ से एग्जाम है, रेलवे बोर्ड की तरफ से एग्जाम होता है, लेकिन इसका पूरा अलग से एग्जाम होता है। आप गूगल में जाके इसको टाइप करके और भी जानकारी ले सकते हैं। अभी इसका एग्जाम का शायद कोई फॉर्म भी आया हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन जुलाई ही लास्ट उसकी डेट है, ये 20-22 जुलाई के आसपास। तो ये एक ऐसा एग्जाम है, इसमें जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए पोस्ट आती हैं और इसमें पेपर भी होते हैं। और जो जैसे जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट होती है वो पेपर ऐसा होता है कि उसमें इंटरव्यू भी आपको देना पड़ता है, जबकि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। अगर आप नॉन कोर में जॉब करना चाहते हैं तो आईबीपीएस में, बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं लेकिन आप सिविल से फील्ड में काम नहीं करना चाहते हैं, जैसे ऊपर वाले जितने एग्जाम थे वो सारे जो है, ये सारे एग्जाम जो है हमारे किसमें से रिलेटेड हैं, ये सारे एग्जाम हमारे रिलेटेड हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आप कोर ब्रांच में जॉब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपको
IBPS में जाना है तो IBPS का ऐसा है कि आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं इसके थ्रू जो है। ये बैंकिंग के लिए एग्ज़ाम, इसमें PO वगैरह के, क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम होते रहते हैं, आप इसका फॉर्म सर्च करें और जा सकते हैं। फिर AEN और JEN के थ्रू आप असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर बनते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए भी आप गूगल सर्च कर सकते हैं। फिर इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी, अगर एयरपोर्ट वगैरह जो के एग्ज़ाम होते हैं उनमें अलग से वो लोग इंजीनियर को हायर करते हैं, वो अलग से अपना लेते हैं। और लेक्चरर के लिए भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस अपने अलग से पोजीशन निकालते हैं जिसके लिए आप लेक्चरर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ जगह डिप्लोमा वाले इंजीनियर्स को पढ़ाना होता है तो बीटेक की डिग्री ज़रूरी है, अगर आप एमटेक कर लिए हैं तो वहाँ पर भी आप बीटेक वालों को भी पढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप से हम इतनी पोस्ट में जा सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और से हमारे एग्जाम है, जैसे ISRO का है, BARC का है, ये लोग अपना अलग सेपरेट टेस्ट लेते हैं। अगर आप इनमें भी जाना चाहते हैं तो आप इनका भी सर्च करके देख सकते हैं, एज अ सिविल इंजीनियर इनमें भी आप जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि जब भी आप अगर गेट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप हमेशा अपने सेकेंड ईयर से ही शुरू कर दें, क्योंकि सेकेंड ईयर से शुरू करने के बाद हमारे पास टाइम भी बहुत रहता है और टाइम होने के साथ साथ आप जो है चीज़ों को अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं। कॉलेज में ही काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन हमेशा हमें सेकेंड ईयर से शुरू कर देनी चाहिए और जितने हो सके उतने टेस्ट पेपर सॉल्व करो। अगर टेस्ट पेपर आप देंगे तो आपका हाथ बैठेगा, आपकी स्पीड आएगी, आपकी एक्यूरेसी आएगी, तो आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करें। और जब भी आप प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले हमें एप्टीट्यूड वाला एप्टीट्यूड सेक्शन ही पहले सबसे कंप्लीट करना चाहिए। जैसे क्योंकि जब आप बीटेक करके निकलते हैं, जैसे आपका बाई चांस गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो आप टाटा जैसी कंपनी, L&T जैसी कंपनी या जो है आप IT सेक्टर में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे क्या है सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट ही आपका होता है, ठीक है। और आपको कोई चीज़ सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, अगर हो सकता है आपका गवर्नमेंट एग्जाम ना निकले तो आप बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में आइए। और मैं जैसे कि आपको बता ही चुका हूँ, सिविल गुरुजी की तरफ से जो है हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और 10 साल में जो लोग साइट में चीज़ें सीखते हैं, अगर आप हमारा कॉप्स कोर्स बाई करते हैं या उसको जाके उसमें से चीज़ें सीखते हैं तो आप बिल्कुल 10 साल की चीज़ें आप 3-4 महीने में सीख सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन पूरा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा और इसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं 9111001234 नंबर पर कॉल करके। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा, हमें जो जॉब हमें सूट करता है उसी को हमको चुनना चाहिए, ये नहीं कि जो हमें पसंद ना हो उस टाइप का जॉब हम चुन लिए, हमको पूरी लाइफ उसको उसमें क्योंकि काम करना होता है। और हमें हमेशा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, हमें एकदम मेहनत से काम करना चाहिए, ये वाला हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। हमेशा हमें एक CV अपना मेंटेन करके रखना चाहिए, रिज्यूमे अपना बना के रखना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर बाई चांस आपका गेट निकल गया PSU वगैरह के लिए भी आपको जब कॉल आएगा तो वो लोग आपके इंटरव्यू लेंगे तो वहाँ पे CV वगैरह वो लोग देखते हैं। अगर आप देख सकते हैं, मतलब जब भी आप काम कर रहे हैं तो आप हमेशा अपनी आंखें खुली रखें कि कोई नई जॉब तो नहीं आ रही, कोई नया काम तो नहीं आ रहा है या कोई नया फॉर्म तो नहीं आ रहा है, तो इन सब चीज़ के लिए हमेशा आप ध्यान देते रहें। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं, इसको पॉज कर करके फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम है जो एक सिविल इंजीनियर दे सकता है। ये सारे एग्ज़ाम हैं और इस टाइप से अगर आपको कुछ और एग्जाम के बारे में पता हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।